वाओ। सो दोस्तों फाइनली पहुंच गया और गाड़ी मैंने यहाँ पे रख दिया दोस्तों। पहुंच गया ओकलैंड में। एक्चुअली मुझे ऊपर में जगह नहीं मिला दोस्तों। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों बात है, जस्ट मैंने आके गाड़ी यहाँ पे लगाया है। लगाने के साथ साथ सोफा का दुकान से एक कॉल आ गया। टाइम हो रहा है दोस्तों 12:15। तो जस्ट अभी पहुँचा ही था दोस्तों, थोड़ा तो जल्दी आ गया था। जल्दी का देर वही आने में ट्रैफिक जाम के लिए थोड़ा टाइम लग गया। और जब मैंने गाड़ी जस्ट रोका यहाँ पे, रोकने का साथ साथ दीदी का दुकान से एक कॉल आया, एक सेट केबी लेके जाना है मुझे मोहपत, और शायद एक सेंटर टेबल भी है ग्लास वाला। तो आने बोला है अभी, तो जाना पड़ेगा देखकर। में यहाँ पहले कॉल आ जाने से तो मैं डायरेक्ट चला जाता था जीएस रोड दोस्तों, लेकिन अभी यहाँ पे आ गया, अभी तो ट्रैफिक जाम मिलेगा। सो निकलते दोस्तों यहाँ से, जाते हैं जीएस रोड, जाके ढालते हैं सोफा। सोफा ढाल के मैं दिखाता हूँ आपको। तो चलिए फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, जाते हैं डायरेक्ट जीएस रोड दुकान में, जाके मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों पुलिस बाजार पॉइंट तक तो मैं पहुंच गया, लेकिन अभी तो गाड़ी हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है दोस्तों। काफी टाइम हो गया यहाँ पे स्टार्ट बंद करके रुका हुआ हूँ। थोड़ा ज्यादा क्या हो गया, मैं जाने बोलो। दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूँ दीदी का, एक बार कॉल भी आ चुका है कहाँ पे पहुंचा, मेरा मतलब मैं कहाँ पे पहुंचा हूँ वो पूछ रहे। ज़्यादा ही ट्रैफिक जाम हो रहा है दोस्तों। और एक्चुअली ये जी एस रोड का जो लाइन है ये कुछ ज़्यादा ही है। ये साइड ये लाइन जो देखिए मेरा सामने से गाड़ी गुजर रहा है, ये वाला लाइन तो जा रहा है, मतलब यहाँ का पूरा खाली है, लेकिन वो वाला लाइन नहीं जा रहा है, मतलब ये वाला। और थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ है, ज़्यादा हो गया मतलब आते आते यहाँ रुकते रुकते 12:34 हो गया दोस्तों। तो देखते हैं और कितना टाइम लगता है पहुँचने में, और दुकान में ढाल के मिलते हैं दोस्तों, देखते हो कितना टाइम लगता है जीएस रोड पहुँचने में। तो फाइनली पहुँच गया जीएस रोड और टाइम हो रहा है 12:45। अभी भी मतलब दुकान का सामने तो नहीं पहुँचा, तो पहुँच जाऊँगा आगे में, तो कोई ट्रैफिक जाम दिखाई नहीं दे रहा है। बस ये जो आगे में रेड बस है उसके लिए थोड़ा धीरे धीरे जाना पड़ रहा है, क्योंकि वो पैसेंजर डालता है इसी वजह से। तो जाके ढाल के मिलता है दोस्तों। छोटा वाला सेट है बोला, ये भी है, तो देखते हैं जाके। सो दोस्तों फाइनली यही है सोफा देखिए, और एक सेंटर टेबल है ग्लास वाला। ये सोफा ये एक्चुअली छोटा है साइज में, इसलिए मैंने सब लिख ही डाल दिया। तो चलिए निकलते हैं, जाना है मोहपत। तो दोस्तों मैं पहुंच गया फोर्थ कॉलम पॉइंट में, थोड़ा जल्दी पहुंच गया दोस्तों। खाली जस्ट वहां पे पीबी से निकलने का टाइम थोड़ा ट्रैफिक जाम मिल गया था, और बाकी यहाँ पे तो खाली है, और आगे जाके क्या होगा कुछ पता नहीं। और सबसे अच्छा बात क्या है दोस्तों, मुझे यहाँ पे मेरा सब्सक्राइबर मिल गया, ये देखिए मेरा सब्सक्राइबर मुझे देखते ही पहचान लिया। और अच्छा बात तो ये मैं ही लेके जा रहा हूँ उसका सामान, तो वो बड़ा बात है मेरे लिए एक्चुअली। कभी कभार मिल जाता है सब्सक्राइबर कहीं कहीं पर। भाई आपका नाम क्या है? जस्टर। भाई का नाम जस्टर है। सो बहुत ही अच्छा लगा भाई से मिलके, लेकिन भाई थोड़ा शर्मा रहा है बात करने में, कोई बात नहीं सर, हम एक्चुअली फोन पे बात कर रहे हैं वो। तो चलिए जाते हैं भाई के घर में, जाके डिलीवरी देते हैं। आपने तो सोफा देख ही लिया, ये भाई का ही है। चलिए बहुत ही अच्छा लगा, खुशी हुआ मुझे भाई से मिलके, बहुत ही अच्छा बात करता है वही है दोस्तों। चलिए चलते हैं मोहब्बत। एक्चुअली मोहब्बत जाने का दो रास्ता है दोस्तों,
एक होता है जो लंकाडिंग शियाप गोल्फलिंग होकर जाता है, और एक रास्ता है यहाँ से नोमेनसोंग होकर जाता है। तो मैं भाई बोल रहे हैं कि नोमेनसोंग जाने यहाँ से जाने से एक्चुअली उसका घर मतलब सामने पड़ता है, इसी वजह से हम लोग यहाँ से जा रहे हैं दोस्तों। नोमेनसोंग क्रॉस करने के बाद में आशीर्वाद है, आशीर्वाद से पॉइंट है, वहाँ से फिर मुझे लेफ्ट में घुस जाना है। तो वही बात है, चलिए चलते हैं। आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, और मुझे तो बहुत ही खुश हुआ भाई से मिल के क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर है। आशीर्वाद तो पहुंच गया, लेकिन आशीर्वाद का जो पॉइंट है वो आगे में है। तो पॉइंट मिलने के बाद में मुझे लेफ्ट में लेके दूसरा मतलब बाएं तरफ वहाँ पे घुसने के बाद में और थोड़ा आगे जाने के बाद में वापस मिल जाएगा मुझे, और एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं, लेकिन भाई जा रहा है साथ में तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वही मैंने आपको पहले भी बताया है वो चीज़ कि कस्टमर अगर साथ में जाने से बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, क्योंकि पूछना नहीं पड़ता बार बार। क्योंकि बात ये है एक्चुअली जब मैं सामान लेके जाता हूँ तो घर का गली भी बहुत सारा होता है, रास्ता बहुत सारा होता है दोस्तों, तो कभी कभार बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ऐसा जगह पे। ये देखिए मैं पॉइंट में पहुँच गया, अभी ले रहा हूँ मैं मोपट, यहाँ पे लिखा है एरो देखे मोपट जाने का रास्ता, तो मैं घुस गया दोस्तों। ये है मोपट जाने का रास्ता लेफ्ट में। और जो बात है एक्चुअली क्या होता है जब सामान लेके जाता हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पे भी बहुत सारा रास्ता होता है। जैसा मेन रोड से अगर चलना होता है वो बात अलग है दोस्तों, लेकिन जब मेन रोड से कोई रास्ता घुसना पड़ता है, एक का साथ ही एक रास्ता होता है, कहीं पे आगे पे होता है तो कभी पीछे होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि कस्टमर फोन से अगर फोन में बात कर रहे होते हैं तो बोलते हैं यहाँ से आने के लिए वहाँ से आने के लिए, लेकिन रास्ता बहुत सारा होता है दोस्तों। कभी कभार मैं आगे निकल जाता हूँ, कभी कभार पीछे फिर घूम के वापस आना पड़ता है। तो भाई जा रहा है इसलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों। तो मोपट का रास्ता तो मैं घुस गया, लेकिन अभी तक पहुँचा नहीं हूँ, थोड़ा आगे में पहुंच के डायरेक्ट ले जाके भाई के घर में दोस्तों। दोस्तों आप लोग जगह देख रहे हैं, मैंने सोचा था कि भाई के घर में जाके वीडियो लूं, लेकिन ये जगह देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाया दोस्तों। ऐसा जगह है कि लगता है ऐसा जगह पे आने से लगता है कि जन्नत मिल गया दोस्तों, सच में बहुत ही सुंदर जगह है। मोपट बहुत ही ऊपर में हो गया, सो यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू वगैरह आता है, सो बहुत ही अच्छा लगता है, जन्नत में आ गया दोस्तों। और शांति भी ऐसा है, दोनों साइड में जंगल ही जंगल है, बहुत सुंदर पेड़ वगैरह है, बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा जगह में। कभी कभार आने को मिलता है दोस्तों मोपट में, और ऐसे ऐसे सुंदर वाला जगह में ज़्यादातर तो सिटी का अंदर ही रहता हूँ, मालूम नहीं कभी कभार चांस मिल जाता है ऐसा जगह पे आने के लिए, जैसा आज मिल गया दोस्तों। और स्पेशल बात यह है भाई भी साथ में है, सब्सक्राइबर व्यू पॉइंट भी है बहुत अच्छा अच्छा। ये देखिए मेरा साइड से इतना सुंदर जगह क्या दिखाई दे रहा है, वहाँ पे भी एक व्यू पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट यहाँ से। एक्चुअली मोपट जो है मैंने बताया है आपको, मोपट जो है वो बहुत ही ऊपर में, अभी जो मैं जा रहा हूँ पूरा चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, सुंदर व्यू पॉइंट है, लग रहा है कौन सा जगह पे आ गया। यही है मेघालय का खास बात दोस्तों, एक बार रुक के मैं दिखाता हूँ आपको। मुझे रोकना ही पड़ा दोस्तों, इतना सुंदर जगह देख के कौन ही नहीं रोकेगा। तो दोस्तों देखिए वाओ क्या जगह है दोस्तों, सच में लग रहा है कि यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ आके, कौन सा नीचे में जगह मिलने से तो एक घर बना के रह जाता था दोस्तों। और बादल देखिए ना वाओ, और हम लोग को जाना है यहाँ से दोस्तों, तो मैंने गाड़ी यहाँ पे रोक दिया है क्योंकि ये जगह देख के मैं अपने आप को रोक ही भी नहीं पाया दोस्तों, इसी वजह से आया तो मैं हूँ यहाँ से दोस्तों। वही बात है वाओ क्या व्यू है सच में दोस्तों। तो चलिए वक्त बिना ज़ाया किए निकलते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा रुका हुआ हूँ मैं, चलिए निकलते हैं।
सो दोस्तों फाइनली पहुंच गया और गाड़ी मैंने यहाँ पे रख दिया दोस्तों, लाल गाड़ी है वाला। सो फटाफट सामान उतर लेते हैं, उतर के निकलते हैं दोस्तों। क्या व्यू देखा दोस्तों, मन को खुशी मिल गया है। सो ये सर का तो भाई का घर, तो फटाफट उतारते हैं सामान और निकलते हैं यहाँ से दोस्तों। फाइनली सामान उतारना हो गया और सर ने यहाँ पे रख दिया, बाद में घुसाएंगे शायद भाई। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से, जाते हैं कहाँ पे रास्ते पे डिसाइड करते हैं दोस्तों, बात करते हैं रास्ते पे। फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। मैं तो निकल गया और जा रहा हूँ, अभी कहाँ जाऊँ वही सोच रहा हूँ। जीएस रोड से जब मैंने ये सामान डाला है, उस टाइम में भी स्टैंड पे कोई भी नहीं था दोस्तों। तो जैसा मेरा हालत है दोस्तों, सभी का वैसे ही हालत है। मुझे जितना लग रहा है, कोई भी स्टैंड पे आना पसंद नहीं करता है ज़्यादातर। दोस्त तो एक तो घर में ही है और एक कहाँ पे है मालूम नहीं, और बाकी के गाड़ी का पता नहीं। तो सभी अपना अपना काम में बिजी है, कोई आया है कोई आया नहीं, कोई कहाँ पे बैठा है पता नहीं। जगह तो मैं क्या बोलूँ दोस्तों, जगह का तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, जगह ही ऐसा है दोस्तों। इतना सुंदर जगह है कि क्या बोलूँ, जी कर रहा है कि यहाँ पे रुक के घंटा बैठ के जाऊँ ये व्यू देख के। ये व्यू मेरा अभी जाने का टाइम में मेरा राइट साइड पे था, अभी जाए मतलब आने का टाइम में राइट साइड में था, जाने का टाइम अभी लेफ्ट साइड में। बहुत ही सुंदर मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर व्यू है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट अभी स्टैंड पे दोस्तों। मेरा मतलब स्टैंड जाऊँ कि नहीं जाऊँ वही सोच रहा हूँ, तो डायरेक्ट वहाँ पे चला जाता हूँ, मतलब है ऑकलैंड, वहाँ पे जाके बैठूंगा दोस्तों शांति से। चलिए डायरेक्ट जाते हैं अभी ऑकलैंड में दोस्तों। सो दोस्तों फाइनली पहुँच गया ऑकलैंड में। एक्चुअली मुझे ऊपर में जगह नहीं मिला दोस्तों, और मैं नीचे आ गया, नीचे में पार्किंग मुझे मिल चुका है। और यहाँ पे दोस्तों कोई भी नहीं, बस मैं अकेला ही हूँ। ना जाने उन लोगों को क्या हो गया, आता ही नहीं है। एक तो घर में ही बैठा हुआ है, एक तो कहाँ पे बैठा हुआ है किसके दुकान का सामने। मैं यहाँ पे अकेला दोस्तों, तो टाइम हो रहा है दोस्तों। चलिए कितना टाइम लगा मुझे मोपट से, टाइम हो रहा है 2:40। सो टाइम तो लगा दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ से निकला था करीब 2 घंटे के आसपास लग गया जाने में आने में। 2 घंटा तो लग गया दोस्तों। सभी वेट करते हैं, देखते हैं और कुछ मिल पाता है कि नहीं। वैसे तो चांसेस बहुत ही कमती है, क्योंकि बारिश आने वाला है और कुछ ज़ोर से आने वाला है। देखिए पूरा बादल छाया हुआ है, पूरा काला हो गया हर तरफ। तो बैठते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। 3,000 years later भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सॉरी। तो दोस्तों 2:40 में पहुंचा था, और अभी देखिए रात हो गया है, टाइम हो रहा है दोस्तों 7:03। सो अभी भी मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे। जितना भी गाड़ी था दोस्तों सभी निकल चुके हैं, मतलब ऑकलैंड से। ऐसा ही मार्केट हो गया दोस्तों, एक काम मिलने का बाद में दूसरा काम मिलने का, कोई कॉल भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। और जब भी कोई कॉल आता है तो जो काम मिलने वाला काम भी नहीं मिलता है दोस्तों। ऐसा हालत हो चुका है अभी फिलहाल। और दोस्तों भी कोई नहीं आया, थोड़ा देर पहले एक आया था, फिर मैंने उसको कॉल किया कि तुम नीचे आ रहे है क्या, तो उसने बोला नहीं मैं घर चला जा रहा हूँ। तो वो भी चला गया दोस्तों, आया था यहाँ पे, मतलब वहाँ से गया है। तो क्या करो दोस्तों, कोई बैठने मतलब मार्केट नहीं होने से बैठ के फ़ायदा नहीं है, इसीलिए कोई भी बैठता नहीं है, यही रीज़न है दोस्तों। बाकी सब क्या बोलूँ, लेकिन मैं तो यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और थोड़ा टाइम बैठूँगा, उसका बाद में मैं भी निकलने वाला हूँ, क्योंकि रात को अभी काम मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है दोस्तों। वैसे तो पहले रात को काम मिल जाता था, लेकिन अभी ऐसा हालत हुआ है कि
कि रात को काम तो मिलता ही नहीं, और कभी कभार मिलता है दोस्तों, जैसा उस दिन रात को मुझे मिला था। रात को नहीं, एक्चुअली 6:30 बजे मिला था, तो रात ही हो गया था दोस्तों करीब। आते आते तो मुझे बहुत टाइम लग गया, 8:30 बज गया था काम करके ख़त्म, मतलब वहाँ पे। तो घर आते आते 9 का ऊपर ही हो गया दोस्तों। सो ऐसा बहुत ही कम मिलता है दोस्तों। सो आज भी वही एक काम हुआ, चलिए और थोड़ा टाइम तो बैठना ही है, तो बैठता हूँ दोस्तों, देखता हूँ और कुछ मिल पाता है कि नहीं। कुछ नहीं मिलेगा वैसे तो मुझे मालूम ही है, अभी बैठता हूँ आराम करता हूँ और थोड़ा टाइम, मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर बाद। One hour later. दोस्तों फाइनली जाने का टाइम हो गया, बैठते बैठते तो मैं थक गया दोस्तों, ना कोई, और मुझे पता ही था ना कोई बोल के फायदा ही नहीं है दोस्तों, वैसे तो मुझे पता ही था, लेकिन आज बहुत ही अच्छा जगह में काम मिला, बहुत ही सुंदर व्यू था दोस्तों सच में। अब वीडियो को अगर देख के पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा दोस्तों। और लास्ट में कोई भी दोस्त नहीं आया, मैंने बताया था जब मैंने 7 बजे उस टाइम में वो आके चला गया, तो क्या ही करेगा दोस्तों, बैठ के भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई काम नहीं आता है, तो आदमी बैठे भी तो क्या के लिए बैठे दोस्तों। इसी वजह से सभी घर पे जल्दी चले जाते हैं, पहले जैसा नहीं है दोस्तों। पहले तो हम लोग करीब 9 बजे 9:30 बजे तरफ, कभी 10 बजे तक भी बैठते थे दोस्तों, लेकिन अभी नहीं, अभी कोई भी नहीं बैठता इतना टाइम। कोई तो 5 बजे निकल जाता है, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, 8 बजे का अंदर पूरा खाली, अगर किसी को काम मिला वो अलग बात है दोस्तों, लेकिन पहले सभी चले जाते हैं दोस्तों। तो वीडियो अगर पसंद है दोस्तों तो बोलने की ज़रूरत तो है नहीं आप लोगों को, वैसे तो आप लोग कर ही देते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग को जो सपोर्ट मुझे मिला है आप लोग का, वो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ है दोस्तों। थैंक यू इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए मुझे। सो आज के लिए ब्लॉग में इतना दोस्तों, फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।